मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, कौनसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बायतेमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आसिफ भाई को मिलने के लिए हम सब आए हैं। मेरे साथ सुनील जी भुसारा है, उनके साथ विकास जी लवांडे है और सब पदाधिकारी है। यहाँ पे रमज़ान का पवित्र महीना अभी चालू है। यहाँ पे सब जो मुस्लिम बांधव है उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। उनको सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। आसिफ भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले नेता है, एक कार्यकर्ता है और उनके लिए मतलब लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए वो हर वक्त तैयार होते हैं। तो आज वैसा देखा जाए तो अपने ये शहर का नियोजन हमारे में नहीं था, लेकिन जानबूझ के अभी एक जो प्रोग्राम मैंने चोपड़ा में किया, अभी सटाना जा रहे, तो यहाँ पे जानबूझ के हम आए सबसे मिलने के लिए और मिलके बहुत अच्छा लगा। दादा, आसिफ साहब ने ना लोकसभा की इच्छा जताई थी, इसको लेकर आप क्या? अभी ये जो लोकसभा का टिकट है या किसको देना है वो पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और उसी के साथ जो अलग पक्ष है जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है, वो सब मिलके वो चर्चा करते हैं और वो चर्चा करते हुए जो और भी पक्ष है जैसा वंचित पक्ष है, इन सबको विश्वास में लेना पड़ता है। यहाँ पे अपनी ताकत बहुत है, लेकिन कभी कभार जब हमारी ताकत ज़्यादा होती है वहाँ पे भी सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। कहाँ पे कांग्रेस को करना पड़ता है, कहाँ पे हमको करना पड़ता है। अभी दो दिन में हमको पता चलेगा ये सीट कौन से पक्ष को मिला है और यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए थे। ये जो इच्छा है आसिफ भाई की, ये साहब तक मैं खुद आज पहुँचा दूंगा, इतना ही यहाँ पे बोल सकता हूँ। आप मुस्लिम वोटर के लिए कुछ खास पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया गाड़ी की तरफ एक नज़र है मुस्लिम वोटर। देखो, हम सबका कहना है इस महाराष्ट्र में कभी भी भेदभाव किया गया नहीं था। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई भी संत आप ले लो या कोई भी धर्म के किताब ले लो, पवित्र किताब ले लो, वहाँ पे भेदभाव कहाँ पे भी नहीं लिखा। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए, अपना पक्ष सत्ता में आने के लिए बीजेपी धर्म और धर्म में वाद निर्माण कर लेते हैं, जाति जाति में वाद निर्माण कर लेते हैं और उसके कारण जो रियल इश्यूज़ है जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हाथ को काम, पेट को अन्न, किसानों का इश्यूज रहेगा, महिलाओं के रहेंगे, उस पर कोई भी बात नहीं करता। अभी अगर आप बताएं कि अगर माइनॉरिटीज़ की बात के, एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस देना पड़ेगा, उसी के साथ जो भी स्किल और रीस्किलिंग, जैसे मालेगांव में अभी टेक्सटाइल बहुत बड़े तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ की जो टेक्सटाइल है उसकी जो बिजली है उसका जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल नहीं, बहुत महंगा है और उसके कारण यहाँ पे इस बिज़नेस में जो लोग निर्भर है उनको बहुत तकलीफ़ होती है कम्पिटिटिवनेस के लिए। बाहर के राज्यों के साथ कम्पीट करना पड़ता है, अपने पास स्किल लेबर है लेकिन पावर और इतर कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा इशू आता है। तो ये जो स्पेसिफिक बिजनेसेस है उसको प्रेरणा देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा। बैंक लोन नहीं देता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसी के साथ अभी नया नया मशीन्स आ रहा है लेकिन लोगों को वो परवड़ता नहीं, तो वो पावर लूम्स में जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए अगर सरकार से लोन मिले या सपोर्ट मिले तो उसका भी योजना का हम सोच सकते हैं। और ये जैसे मैंने इस बिज़नेस के बारे में बताया, वैसे अलग ही जो बिजनेसेस है अलग अलग समाज के, उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे, लोगों को हाथ को काम मिलेगा, तभी मुझे लगता है कि रियल विकास उसको कह सकते हैं। आज महाराष्ट्र और देश में जो विकास चल रहा है वो सिर्फ पेपर का विकास है, लोगों के हित का कोई भी विकास इस देश में चल नहीं रहा। इसीलिए हम भाजपा के विरोध में और भाजपा के साथ जो पक्ष है, अजीत दादा, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या एकनाथ शिंदे साहब, शिवसेना हो, उस सब विचारों के खिलाफ हम है और लोगों का प्रतिसाद
हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको अच्छा मिल रहा है और हमको विश्वास है इस देश में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, और अगर गलती से भी, ये हो नहीं सकता, लेकिन गलती से वो आई तो इस देश में संविधान और लोकशाही नहीं रहेगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सब वोटर्स को कि कुछ भी करो, जो भी भेदभाव है वो साइड करो, साथ में आओ और भाजपा को पावर से बाहर रखो। ओके।